मम्मा हैप्पी मदर्स डे जो आपने मुझे कहा था। और अपा आपका तो कल बर्थडे है, पार्टी बर्थडे पर। आज इतनी बड़ी न्यूज़ पता चली कि नानू बन गए। अरे वो तो कब से अंकल जी को पूछ रहे थे कि मैंने सोचा था केक जाके ले आता हूँ, आज राहुल भैया का भी बर्थडे है फिर कल पापा का बर्थडे है। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई क्या हलचल है? आज है मदर्स डे। मम्मा को ना अभी तक मैंने सुबह से विश नहीं किया है एंड शी डजंट नो कि आज उनको करने वाला हूँ मैं सरप्राइज। कैसे करूंगा वो पूरा अभी तक देखना, लेकिन अभी ये सीन है कि जो मेरा बेड है ना लैम्बोर्गिनी वाला जो मैं बनवाने के चक्कर में हूँ वो दिल्ली में कोई नहीं बना पा रहा था, लेकिन एक कोई है जो मेरे अभी घर पे आ रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर। अभी टाइम हो चुका है 5:10। मेरे को भाई नींद अभी जाकर खुली है, क्या करें भाई। अब करते हैं मम्मा को सरप्राइज और देखते हैं लैम्बोर्गिनी वाला बेड बन पाता है या नहीं। मम्मा मेरे को बताने आ रही है, देखना कितना खुशी में मम्मा आज। आज क्या है कुछ कुछ खास कि ये जो है बेड मैं सोच रही हूँ कि इतना हम बढ़वा सकते हैं बस। तो बढ़ जाएगा फिर उसमें क्या है? तो फिर रास्ता तो थोड़ा ही बच रहा है। मम्मा या तो अंकल जैसा कोई हो जो आना पाए। लेकिन मम्मा अभी अकेले क्या बताया मेरे को अंकल के बारे में? 4 महीने पहले क्या हुआ? अंकल नाना बन गए, किसी को बताया नहीं। ये मम्मा पता है क्या? हाँ? अंकल सिर्फ पार्टियां देनी पड़ता है, सब कुछ ड्रामे समोसे गुलाब जामुन ना खिला। पिंकी ने बहुत बोला, कह रही है आपको तो मिठाई का डिब्बा लेके आना था। अंकल हमेशा ऐसे हैं, अमन भाई को बोल देंगे बियर दे दो, किसी को बोल देंगे बियर दे दो, लेकिन जब खुद की पार्टी देने की बारी आती है ना, मतलब यार मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छी खासी कोई पार्टी वार्टी दो, मतलब एक जेस्चर वो अंकल कभी नहीं करते, कभी भी। मतलब अंकल ने मेरे बर्थडे पर इतनी बड़ी न्यूज़ पता चली कि नानू बन गए। अरे वो तो कब से अंकल जी को पूछ रहे थे कि अंकल बताओ बताओ आपको गांव क्यों जाना है। तो अब समझ आया गांव इसलिए जाना है अंकल जी को। बाकी मम्मा कह रही है जो बेड है वो लैम्बोर्गिनी वाला वो यहाँ तक अगर आ गया तो फिर यहाँ पे जगह बहुत कम बचेगी, तो वो एक मम्मा सही चीज कह रही है। तो मम्मा कह रही है उस चक्कर में जो बेड ना अगर वो ऐसे बन जाए तो फिर मम्मा कैसे देखूंगा टीवी। सिचुएशन में बेड ऐसे आ गया ना तो ऐसे तो रहेगा, आपको दीवार की सपोर्ट मिलेगी व्हाइल वॉचिंग टीवी। जो साइड टेबल्स हैं ये मैं जब ऐसे करूंगी तो उस कॉर्नर में आपका ये पड़ा रहेगा और साइड टेबल्स जो है वो ओमिट कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे, ठीक है। और आपका ये है तो इसका क्या होगा? ये मम्मा पड़ा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मम्मा ने ना स्कूल के गार्ड और यहाँ के गार्ड के लिए कूलर मंगवाया, पंखा खराब हो गया था यहाँ का। अंकल तुम्हें पार्टी थी वो नाना बने हैं, तुम्हें पता ही वाली बात 4 महीने पहले की, तुम्हें सब पता है, तुम अंकल जी के दोस्त हो। अरे अंदर की बातें मुझे पता है। आज है राहुल जिंदल जी का बर्थडे और कल है पापा का बर्थडे। हाँ भाई, तो अंकल जी पार्टी बनती है? मनोज भाई तुम भी इधर आ जाओ, कल तो बनती है, कल भी बनती है ना। हाँ। मतलब कल सब पापा सबको पार्टी देंगे तो कूलर पापा ने मंगवा दिया, मम्मा ने मंगवा दिया, ठीक है। तो हमेशा आपको पार्टी चाहिए होती है, लेकिन आप 4 महीने पहले नाना बने हो जो हम हमेशा कब से आपको कहते आ रहे हैं, तो आपने हमें कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं दी। बताओ ना अंकल जी बताओ। अब देखो ये जब सच सामने आ गया ना तो अंकल जी हमेशा ऐसे करते हैं। भाई बैकग्राउंड में ना बहुत सारे काम चल रहे हैं आजकल। एक तो फेसबुक पे आते हैं रोज अपने मिनी व्लॉग्स 2.5-3 मिनट के, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, व्लॉग्स आते हैं। इस चक्कर में जो व्लॉग्स है ना आजकल आ रहे हैं अल्टरनेटिव डेज पे, तो जो भी है ना इंटीरियर वाले वो भी आ रहे हैं मेरे घर पे। इतना मैंने सोचा था केक जाके ले आता हूँ, आज राहुल भैया का भी बर्थडे है फिर कल पापा का बर्थडे है फिर आज मदर्स डे भी है, तो यानी कि आज दो ओकेजन है और कल पापा का बर्थडे, इसके अलावा अंकल जी नानू जो बने हैं ना उसकी पार्टी अब हमको देंगे, ठीक है। मैंने पूरे ग्रुप में बता दी अंकल बात, मैंने ये वाला लिया है जो सबसे। हाँ जी ठीक है भैया, टैग मैं लगा लूँगा। भैया अंकल जी यार पैटी खाने का भी मन था लेकिन वो भैया आ गए हैं घर पे अभी, तो बस यहाँ से केक लेके निकल रहे हैं। पैटी फिर बाद में खाऊंगा, इधर ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में, दोबारा भी आऊँगा फिर शॉप पे, पापा को भी केक लेके जाऊँगा। तो पूरे ले रहे हैं मेजरमेंट्स की कैसे क्या है, तो कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन इतना आ रहा था उसकी बेड बन रहा है, है ना। तो ये कह रहे हैं बना देंगे, ये आए हैं स्पेशल इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है। जैसे आपका काम है ना ये बेड वाला, यही बनाएंगे, यही बनाएंगे। तो जितने सारे बेड है ना जो घर के हैं वो अंकल जी बेचेंगे, तो इसलिए अंकल सब फोटोज खींच रहे बेड की। सब फोटो खींच ली ना पूरे घर की बेड की आपने। आपको मम्मा ने बता दिया ना क्या सीन है? मम्मा हैप्पी मदर्स डे जो आपने मुझे कहा था। और अपा आपका तो कल बर्थडे है, पार्टी? हाँ पार्टी पापा कल, मैं सुनते सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं कि कल पार्टी देंगे। मेरे सारे प्रेजेंट क्या? प्रेजेंट क्या हुआ? अरे बच्चों से क्या प्रेजेंट है, ये बटरफ्लाइज है। ये बटरफ्लाई यहाँ लगा ले। सबसे पहले बेटे आपको आई एम इंडेटेड टू यू, यू हैव मेड मी मॉम। मदर्स डे मम्मा आज है, आप तो खाओ थोड़ा सा। तितली का केक, तितली का केक। बस कर बस
चलो बढ़िया केक खा लो, देखो सारा खा गई मम्मा, इतना मुंह पे केक लगा पूरे आपके। मैंने तो खाया हाँ, अपनी खाया देखो, इतने चम्मच भरती है बताओ। सबने खाया ये। मैंने अंकल जी को बता दिया कि नानू बने हो आप, हमें पता लग गई है। और मम्मा को बेड वाली बात तो बताओ थोड़ी सी, बेड जो भी बन रहे हैं वो कौन बेचेंगे? बेचेंगे तो कमीशन भी लेंगे। अंकल ये वाला काम भी करते हैं भाई, हमारे अंकल ऑल इन वन है, मतलब ड्राइवर नहीं है बिल्कुल भी वो, क्योंकि ड्राइवर ऐसा तो होते तो पीछे अपनी गाड़ी चलाते ना, वो भी देता है गाड़ी चलाने के लिए। पैसे मिल रहे हैं कह रहे क्या मैम, हम भी खाते हैं भाई। मैं तो अभी खा रहा हूँ ये चिकन सैंडविच साथ में ये पैटी, मेरा ये ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ है। भूख लग रही थी आज बहुत ज्यादा तेज की। माय लव फॉर पैटीज टू मच, खासकर चिकन पैटीज। देहरादून में ना एक शॉप है मोमेंट्स करके, वहाँ पे मैं इतनी पैटी खाई है, उनकी पैटी सही लगती है। फिर वेंगल्स की पैटी बहुत सही है, दिल्ली की जो लैम पैटी है बहुत सही। तो आई ऑलवेज लव पैटीज, पैटीज के लिए मुझे ऐसा है कि मैं हमेशा खा सकता हूँ कभी भी। जो बेड वाले आए थे ना भाई, उन्होंने बोला कि बेड बन जाएगा, लेकिन तू ये वाला आइडिया कहाँ से लेकर आया? मतलब यार इतना तगड़ा आइडिया नहीं देगा यार। तो नॉर्मली ग्रिल मेरे सामने आई थी, मैंने देखी, आई थॉट कि इसको ज़रा बनवाते हैं, बट मुझे लगा नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होगा और ऐसा कुछ होगा कि कोई दिल्ली में बना ही ना पाए। अब ये जो है ना, शायद फिंगर्स क्रॉस जल्दी बन जाए। इसकी जो मेकिंग है ना वो दिखाऊंगा आप सब लोगों को कैसा है। वही पूरा लैम्बोर्गिनी का बेड बन रहा है विद एग्जैक्ट हेडलाइट्स एंड एयर वेंट्स, मतलब भाई क्रेजी होने वाला है ये चीज। जीतू भैया ने मेरे को ज्वाइन कर लिया यहाँ से थोड़े दिन पहले, वही वाली जा रहा था क्योंकि गाड़ी क्रेटा। तो आगे वही पार्टी में फिलहाल यहाँ पे सर देखो खाने में लगे हुए हैं। ये इनका बर्थडे है आज राहुल भैया का। भैया हैप्पी बर्थडे। दुबई कब चलोगे आप? ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अज़रबैजान जाएंगे, गोल्ड लेवल में डाला आर एस। अरे नान का है तो बताओ, नान वाले भैया है कौन है? कौन है? अच्छा कैसे हो भैया, पापा कौन आएगा आपको आज? बता दिया भाई, पापा का बर्थडे हो गया शुरू, 12 बज चुके हैं और ये बर्थडे आज ही है अपेरेंटली। सही है, कह रहे हैं उनको मैच बोलो बेटा, मैं बोलो बोल दो पीने का भाई। ये भाई है बम बम मास्क द किंग, थाईलैंड का राजा, पार्टी है ये ली, सारी है खिलाड़ी है।